अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मैं हमारी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब हरियत होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी हरियत से हूँ। अभी तो दिन के तकरीबन 4 बजे हैं, बच्चों ने स्कूल से आके खाना नहीं खाया था, अभी कह रहे हैं मम्मा हमें कुछ बना के दो। मैंने सोचा साथ साथ आपसे भी शेयर कर लूँ। ये मेरे पास ब्रेड है और बड़ी आसान सा, क्योंकि इनका कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है। ब्रेड और दूध है, दूध में डालूँगी, एक प्लेट में डाल लेते हैं। साथ साथ बातें करते और साथ साथ अपने बच्चों को बना दूंगी। दूध जो भी आपके पास है, मगर आजकल खुले दूध का इशू जा रहा है, इसलिए हम खुला नहीं ला रहे। कल मैं लेके आई थी हुशक भी, मगर दो दिन बाद इसने जब से सुना तो इसने तो कौ सारी मारनी शुरू की हुई है। 2 दिन बाद कौ मार जाएगी। ये चीनी है, इसमें मैं आप चीनी ऐड कर लेती हूँ, हसबे ज़रूरत कम या ज़्यादा। और अच्छे से हम चीनी को मिक्स कर लेते हैं। मम्मा ज़्यादा नहीं डालनी। अच्छा, और काइंडली जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर आगे पी लो। पानी बंद कर देगी। दूध में चीनी मैंने मिक्स कर ली है, एक ब्रेड है, और ये फ्राई पैन जो है ना मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है। और अभी इसमें डालती हूँ कुकिंग ऑयल। तो जी, कुकिंग ऑयल हमने डालना है थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं डालना, बस 1.5 चम्मच के करीब। तो डाल दिया कुकिंग ऑयल, अभी देखें बनता क्या है। पहले तो एक दफ़ा मैंने बनाए, बड़े ज़बरदस्त बना था, और अभी मगर क्या बोलते हैं। अब ये जो ब्रेड है ये दूध में हम डिप करेंगे, और पहले कुकिंग ऑयल गर्म होने देंगे, और इतनी ज़्यादा भी नहीं डिप कर देंगे कि बीच ही गिर जाए, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। फिलहाल चम्मच को हम साइड पे करते हैं, ऐसे हाथों की मदद से करके डिप, और ब्रेड को डाल देंगे कुकिंग ऑयल में, और इसको दोनों साइड से हम गोल्डन कर लेंगे। तवे पे भी बन जाएगी, मैंने तो वैसे फ्राई पैन रख ली है, ये तवे पे भी बन जाएगी, और इसमें इतना ऑयल भी नहीं खर्च होगा। ये साइड से गोल्डन करेंगे, फिर दूसरी साइड से, और ये बड़े मज़े की बनेगी। इसी तरह हम सारी जो है ये सॉफ्ट सी बड़ी ज़बरदस्त की बन रही है। बन गई थोड़ी सी। हाँ जी, बन गई थोड़ी सी। मम्मा पीछे निकालो। निकालती हूँ इधर से, वो किधर गई है ट्रे, छोटी पड़ी हुई थी। मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है तो गई किधर है? ये भी सही पक गई है, अभी फिलहाल मैं इसमें निकालती हूँ स्टील की, और निचोड़ लेना। मैं इसको ना स्पून जो है ना स्पून से निचोड़ लेती हूँ। ये सॉफ्ट भी बड़ी हो गई है, मीठी भी हो गई है। ये बन गई है, अब दूसरी भी सेम। ये तो मैं उठा भी सकती हूँ। हाँ जी, दूसरी भी सेम इसी तरह, ये डिप की दूसरी साइड से डिप की, क्योंकि दूध मीठा हो गया हुआ है। इसको निचोड़ लिया, और निचोड़ने के बाद इसको पैन में रख दिया। या तवा भी दे सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की, और ये मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। मैं इनके लिए 2-3 कच्ची बना लूँ, फिर आपसे शेयर करती हूँ कि ये कैसी बनेगी। बन जाती तो जी, ये मीठे ब्रेड रेडी हो गए हैं, अभी हम इनको खाते हैं। यकीन माने ये बड़े मज़े के बनते हैं, और आप भी जो मीठा खाने का दिल हो और कोई घर में ऐसी चीज़ ना हो तो बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये जो आज की वीडियो है ये देखेंगे, पढ़ रहे थे और इधर ही खा रहे थे, और मुझे कह रहे हैं जी अब रोटी नहीं, हमें कुछ और बना के दो। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।